रीगा द्वितीय पंचायत के मुखिया सोनम कुमारी के पति धीरज कुमार ने अपने आवास में ग्रामीण की समस्या सुनते नजर आए। यह विजुअल अभी आप देख रहे हैं, रीगा द्वितीय पंचायत के मुखिया सोनम कुमारी के पति धीरज कुमार की है, जहां पर धीरज कुमार अपने आवास पे अपने पंचायत और ग्रामीण की समस्या सुनते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं समस्या। आज मैं रीगा प्रखंड के द्वितीय पंचायत के मुखिया सोनम कुमारी के पति धीरज कुमार से हमारी मुलाकात हो रही है। आइए आपको अवगत कराते हैं कि इस पंचायत में मुखिया पद संभालने के बाद में इन्होंने क्या क्या विकास कराया। सर आप पूरा पत्र देंगे? मेरा नाम धीरज कुमार मंडल हुआ और मैं रीगा द्वितीय पंचायत के प्रतिनिधि हूँ। जनता के लिए बताएंगे कि जब से आपने मुखिया पद संभाले हैं तो जनता के लिए क्या क्या अपने पंचायत में काम किया? लगभग जहाँ पे पीसीसी की जरूरत था वहाँ पे पीसीसी करवाए हैं, और जहाँ पे नाला की जरूरत था वहाँ पे नाला करवाए हैं। जो भी कार्य हुआ है हमसे जितना आया है। अचानक गांव घर में किसी का डेथ हो जाता है, उसमें किस प्रकार से मदद करते हैं? अचानक और कौन सा फंड से आप इस्तेमाल करते हैं फंड को और उनको लाभ मिला? ऐसे तो फंड कभी जनता है जिससे 3,000 रुपया दिया जा सकता दिया जाता है। आप देखते हैं लेकिन फंड में लेट होने के कारण हम जाते हैं वहाँ पर मुस्तैद होते हैं, तो हमसे जो होता है 2,000-3,000 ऐसे करके बहुत बढ़ता है। मतलब आप फंड के भरोसे नहीं रहते, अपने जेब से कर देते हैं? हाँ, मैं फंड के भरोसे नहीं रहता हूँ, हम जाके हम टू हेल्प करते हैं। जी आप मुझे ये बताएं कि ग्रामीण समस्या किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं? ग्रामीण समस्या जितना भी आता है मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमसे हो पूरा समस्या को समझाने के। लगभग कुछ अनुभव होगा कि एक साल आपने पद संभाल हो चुका है, और एक साल के अंदर में कितने मामले आपने पंचायती में सॉल्व किया होगा? मतलब जो कोर्ट कचहरी करना जाता है या फिर थाना तक न पहुँचता है, ऐसे मामले भी आते होंगे आपके पास? ढेर सारे मामले आता है, लेकिन हमको उम्मीद है और ये विश्वास है कि गिनती तो नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि कि हम अपने ही पंचायत का मामला नहीं जी, यानी अन्य पंचायत का भी मामला आता है तो हम सॉल्व करते हैं। और मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामला हम सॉल्व कर दें, थाना पुलिस तक कोर्ट तक जाने की कोई बात न रहे। रीगा द्वितीय पंचायत के मुखिया सोनम कुमारी पति धीरज कुमार के सहयोग से सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, यह रीगा द्वितीय पंचायत के ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर गरीब परिवार के बच्चे आज से यहां पर सिलाई सीखने के लिए पहुंचेंगे और सिलाई का काम सीख करके अपना रोजी रोजगार में जुट जाएंगे। यह तस्वीर अभी आप देख रहे हैं सिलाई ट्रेनिंग सेंटर की है। आपका प्रयास होनी चाहिए कि और भी लगे, बेरोजगार काफ़ी है जो पढ़ाई करके घर बैठी हुई है, उन लोगों को काम मिले, बेरोजगारी खत्म हो। मेरा प्रयास रहा है कि जितना से जितना हो सके और ज़्यादा आवे और हमारे लड़कियाँ लोग जितने भी है वो सीखे पढ़ाई। यहाँ पर कुछ सीखने के लिए चार्ज वगैरह भी लगेगा क्या? कोई चार्ज नहीं है। नहीं, कोई चार्ज नहीं है। कब कब सप्ताह में देना है ट्रेनिंग या फिर मंथली है, क्या है सिस्टम यहाँ का? अभी तत्काल 6 दिनों का ट्रेनिंग है जी। कब से शुरू हो रही है सर? आज से शुरू हो रही है। अच्छा, इसके लिए क्या नए अगर सीखना चाहती लड़कियाँ क्या आवेदन है या फॉर्म कोई फ्लो करना होता है, क्या है पूरी जानकारी आप देंगे? इसके लिए इस पंचायत में ग्रुप बनाया गया जी, उस ग्रुप में 15 साल से लेकर के 24 साल तक के युवा शामिल है, लेकिन जो ट्रेनिंग लेंगे उनकी उम्र होगी 18 साल से उम्र 24 साल से कम, जो पहले से ग्रुप में शामिल है और सभी लोगों को हम ट्रेनिंग अभी ना दे रहे हैं। वैसे बच्चे जो नाजुक परिवार से हो यानी गरीब हो, जो हम ना बोले पूरा गांव समाज मेरा बोले जी, कि जी। बच्चा सच में गरीब है और रोजगार के सेक्टर में रोजगार करना चाहता है, उन युवाओं को हम लोगों ने सेफ द चिल्ड्रन के माध्यम से कुछ सामान दिया गया है और आगे इस प्रकार की बहुत सारी और सुविधा मिलेगी इस पंचायत में। जिले में अभी तक आपने इस कंपनी के माध्यम से कितने मशीन वितरण कर चुके हैं पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के? अभी फिलहाल सीतामढ़ी जिला के एक ब्लॉक में काम करते हैं, रीगा ब्लॉक जी, रीगा ब्लॉक के 4 पंचायत में जी। दुर्गा पूजा के समय सवाचू पंचायत में हमने एक जगह सेंटर खोल चुका है और दूसरा सेंटर है मेरा रीगा 2 वहाँ पे। सही चल रही है? हाँ सही चल रही है। आज के डेट में हमारे बच्चे डेली 2,000-4,000 रुपया कमा रहे हैं।